आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 26वें अध्याय किंग पुरंजन गोस टू द फॉरेस्ट टू हंट पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से पुरंजन महाराज जब नगर में प्रवेश करते हैं, अपने महल में प्रवेश करते हैं, बहुत सारे वन्य श्वपदों को मार के, जिसकी उपमा एक जीव के अनंत भोग करने के बाद जब वो वापस अपने घर आता है उससे की गई है। सो जस्ट लाइक पुरंजना किल्ड सो मेनी एनिमल्स, अ लिविंग एंटिटी एंजॉयज सो मेनी सेंस ग्रेटिफिकेटरी थिंग्स इन द फॉरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट। उसके बाद जब वो वापस आता है तो उसे अपनी अच्छी पत्नी दिखाई नहीं देती, और ये अच्छी पत्नी की कल्पना अच्छी मेधा या अच्छी बुद्धि से की गई है। तो सही बुद्धि या ट्रू इंटेलिजेंस विल ऑलवेज गाइड अ पर्सन टू अल्टीमेट सॉल्वेशन एंड द करेक्ट थिंग्स, ये भी हमने देखा। और पुरंजन महाराज अल्टीमेटली अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए निकलते हैं, और वो पूछते हैं बाकी सब महल की दासियों से कि आपने महिषी को देखा है क्या, which means that he is asking all the desires in his mind. Oh, where is that intelligence? That intelligence which always protected the living entity from all wrong things is being sought by the living entity. एक जीव उस अच्छी मेधा की तलाश में है जो हमेशा उसे गलत चीजों से परावृत्त करता रहा। और यहाँ पर से हम अपने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साङ्ग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुक्रमान सत्र रामाः उचुः नरनाथ न जानीव स्वत्प्रिया यद्व्यवस्यति भूतले नरवस्तारि शयानां पश्य शत्रुहन। All the women address the king Ramaha Uchu. O master of the citizens, we do not know why your dear wife has taken on this sort of existence. O killer of enemies, kindly look, she is lying on the ground without bedding. We cannot understand why she is acting this way. जो महल की स्त्रियां हैं वे कहती हैं कि अरे आप जिस पत्नी को खोज रहे हैं वो तो जैसे कुपित हो गई है आपसे। तो जैसे पहले हम देखते हैं रामायण में भी जब कैकेयी क्रोधित हो गई दशरथ महाराज के ऊपर तो वो कोप भवन में चली गई, और कोप भवन में जाने के बाद अरे अरे कल राम का राज्याभिषेक और कैकेयी कोप भवन में क्यों है। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि कैकेयी कोप भवन में क्यों है। तो वैसे ये रानी देखिए जैसे कुपित हो गई है
वस्त्र अच्छे नहीं डाले हैं, बिना साजो सामान के हैं और ऐसे जमीन पर लेटी हुई हैं जैसे एक मतलब एज अ नेग्लेक्टेड पर्सन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो जैसे एक स्त्री अपने व्यवहार से अपने पति को दिखाती है कि अरे आई एम एंग्री ऑन यू आर नॉट गिविंग मी द ड्यू रिस्पेक्ट केयर एंड अटेंशन दैट यू शुड गिव। सो पुरुष का काम है स्त्री को अटेंशन दे एंड देन द वाइफ विल डू एवरीथिंग फॉर द हस्बैंड। सो वाइफ सर्व्स द हस्बैंड and husband gives attention, care and affection. So ये तीन चीजें अगर स्त्रियों को मिले, attention, care and affection. So यहां पर ये बुद्धि रूपी ये स्त्री, why she is angry? क्यों? क्योंकि पुरंजन महाराज उसका संग छोड़ करके कहीं और गए थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार से एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में भोग की इच्छा से अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके कहीं और जाता है भोग विलासिता के लिए, उसी प्रकार एक जीव इस भौतिक जगत में अपनी सही मेधा को छोड़ करके गलत मेधा या इंद्रिय भोग की इच्छाओं के पीछे चला जाता है और उस समय उसकी सही चेतना उससे कुपित हो जाती है। सो ही गिव्स अ गुड इंटेलिजेंस, यस। So, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे कहते हैं ना विपरीत बुद्धि, तो उसकी सही बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। सो सही बुद्धि भी एक पत्नी की तरह है। सो पत्नी को जिस प्रकार से अटेंशन, केयर एंड अफेक्शन चाहिए, उसी प्रकार से हमारी इस सही बुद्धि को भी अटेंशन, केयर एंड अफेक्शन चाहिए। ये अटेंशन, केयर एंड अफेक्शन कैसे दिया जाता है? दो माध्यमों से। एक कि हम हमेशा अपने विवेक को बुलाएं, इस सही बुद्धि को बुलाएं, जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और दूसरा माध्यम है हमेशा शास्त्रों को पढ़ें। तो शास्त्रों का अध्ययन करना और विवेक को हमेशा बुलाना, इस सुबुद्धि को बुलाना, हमेशा अपने साथ में रखना इन टेकिंग एनी डिसीजन। दीज आर द टू वेज इन विच द इंटेलिजेंस रूपी पत्नी or the wife in the form of intelligence is given attention, care and affection. Yes, CAA, yeah, ACA, attention, care and affection. तो जिस प्रकार से एक स्त्री जब अपने पुरुष के द्वारा पूरी तरह से neglected होती है, वो अपने दुविधा को, अपने मन के गुस्से को व्यक्त करती है, अपने आप को सजाती नहीं है, अपने आप को दिखाती है कि अरे सी आपने मुझे दुर्लक्षित किया हुआ है इस तरीके से, तो वैसे ही पुरंजन महाराज की सही चेतना इस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रही है। श्लोक क्रमांक 18। नारद उवाच पुरंजन स्व महिषिम निरीक्ष्यावधुतां भुवि तत्संगोन्मिथि तज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययो। द ग्रेट सेज नारद कंटिन्यूड, माई डियर किंग प्राचीनी वर्ही, एज सून एज किंग पुरंजन सॉ हिज क्वीन लाइंग ऑन द ग्राउंड अपीयरिंग लाइक अ मेंडिकेंट, ही इमीडिएटली बिकेम बिवल्डर्ड। तो जैसे ही पुरंजन ने अपनी पत्नी को इस प्रकार से जमीन पर लेटे हुए देखा, पुरंजन को बहुत बुरा लगा। सो हम देखते हैं कि इसी प्रकार से एक जीव जब वो सही में अपनी अच्छी चेतना को बहुत समय के बाद प्राप्त करता है, ब्रह्मांड भ्रमित कोन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जो भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है और सही चेतना जिससे वो भगवान गुरु वैष्णवों की सेवा में लग सके, इस चेतना को जब वो प्राप्त करता है तो उसे अत्यंत ज्यादा दुख होता है। अरे जैसे नरोत्तम दास ठाकुर अपनी प्रार्थना नामक किताब में लिखते हैं, हरि हरि विफले जनम गुआइनो,
मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाभ जिया जानिया सुनिया विष खाइनो. सो When Puranjan Maharaj saw his queen lying on the ground, he became bewildered. So this refers to, or this basically indicates, ये जीव जब देखता है कह रहे मैंने अपना समय बहुत बर्बाद कर दिया, जो मैंने सही में इस रानी के साथ बिताना चाहिए था, which is good intelligence. तो चिरंतन काल मैंने अपनी सही चेतना के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, उसे बिल्कुल भी आदर नहीं दिया, उसके साथ कभी वार्तालाप नहीं किया, उसको अफेक्शन केयर अटेंशन नहीं दिया. सो देन पुरंजन और द लिविंग एंटिटी बिकम्स वेरी मोरोस. अरे हाउ लॉन्ग. यस सो यस जैसे आमार जीवन सदा पापी रत नाही को पुण्य लेश परे रे उद्वेग दियाची जे कतो दियाची जीवे रत लेश. ये सारे जो दैन्यमयी भावनाएं हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषयी दुर्जन सदा पापे रत किछु नाही मोर गुण. सो दीज आर ऑल स्टेमिंग फ्रॉम दिस कॉन्शियसनेस और द कॉन्शियसनेस ऑफ रिपेंटेंस और रिमोर्स कि भगवान मैंने ये क्या कर दिया. सो पुरंजन महाराज के जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेटरी फेज है. श्लोक क्रमांक 19 सांत्वयन श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विद्यता प्रियस्याम स्नेह संरंभम लिंगामात्मनि नाभ्यगात. The king with a grieved mind began to speak to his wife with very pleasing words. Although he was filled with great regret and tried to pacify her, he could not see any symptom of anger caused by love within the heart of his beloved wife. So, Puranjan Maharaj apni us patni ko, jaise jab stri rootti hai, to uska pati use manata hai. Ye pranay hai, ye shringar ras hai. So, पत्नी जानबूझ करके रूठती है क्योंकि उसे अटेंशन केयर एंड अफेक्शन चाहिए और जब वो रूठती है तो उसे अपने पति से इन चीजों की अपेक्षा होती है और पति जब वो देता है देन वाइफ इज रियली वेरी हैप्पी टू रेसिप्रोकेट एवरीथिंग विद द हस्बैंड. तो जब वो जब वो इस भाव में आती है व्हेन शी सीक्स अटेंशन केयर एंड अफेक्शन इफ द हस्बैंड डज नॉट प्रोवाइड देन शी बिकम्स एंग्री. So, अच्छी मेधा या गुड इंटेलिजेंस को पुरंजन महाराज ने अब तक एकदम दरकिनार करके रखा हुआ था तो उसको अटेंशन केयर एंड अफेक्शन नहीं मिला था. सो देन शी इज एंग्री और अब पुरंजन महाराज उसे बहलाने फुसलाने का उसे मनाने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि वो उसे मनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उस मेधा में या उस पत्नी में उन्होंने रोष अत्यंत ज्यादा क्रोध. यूजुअली आप मेरी मानते नहीं हो तो मैं आपसे क्रोधित हो जाता हूं लेकिन पुरंजन महाराज ने अपनी उस पत्नी में या जीव को उस चेतना में अच्छी चेतना में कहीं भी रोष दिखाई नहीं देता. सो शी इज जस्ट लाइक परमात्मा. परमात्मा इज ऑलवेज वेटिंग व्हेन विल दिस लिविंग एंटिटी लुक एट मी. उसी प्रकार से एक जीव की सही चेतना ये हमेशा उसकी याद कर रही है और अच्छे से उसकी राह देख रही है. When will this living entity start listening to me? श्लोक क्रमांक 20 अनुन्येन्येथ शनकैर वीरो नु नयको विद पस्पर्शं पाद युगलमाह चोत्संगाली लालिताम. बिकॉज द किंग वॉज वेरी एक्सपर्ट इन फ्लैटरी ही बिगैन टू पैसिफाई हिज क्वीन वेरी स्लोली.
First he touched her two feet, then embraced her nicely, seating on her on his lap and began to speak as follows. So जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाता है, वैसे ही पुरंजन महाराज अपनी इस रूठी हुई मेधा को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। So जैसे यहाँ पे हम देखते हैं प्रह्लाद महाराज का एक श्लोक कथन प्रभुपाद जी उद्धृत करते हैं। Yes, नैषां मतिस्तावत् उरुक्रमांध्रिं स्पर्शति अनर्थ उपगमो यदर्थः। महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम नवृणीतयावत्। तो जब तक एक जीव भगवान के महान भक्तों के पाद स्पर्श को उनका पाद स्पर्श प्राप्त नहीं करता, तो तीन चीजें भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भूत अवशेष, तीन महाबल। सो भक्त पद धूलि, भक्तों के चरणों की धूलि, भक्त पद जल, भक्तों के चरण कमलों में जो जल धोया हुआ है, और भक्त भूत अवशेष, भक्तों के द्वारा झूठे अन्न, तीन महाबल। तो जब तक एक जीव ये तीन प्राप्त नहीं करता, सही में उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों में वो शक्ति है जो हम अपने 50 जन्मों के संचित कर्मों में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं करेंगे। वो इतना भक्त पद धूलि, भक्त पद जल और भक्त भूत अवशेष तुरंत कर सकते हैं। सो वन मस्ट ऑलवेज hanker for service to Vaishnavas. That is the way to keep the good intelligence also happy. Shlok Kramant 21. Puranjana uvacha noonam tvatkrita punyaste bhritya yeshashvara shubhe kritagah svatmasat kritva शिक्षा दंडम न युञ्जते। किं पुरंजन सेड, माय डियर ब्यूटीफुल वाइफ, व्हेन अ मास्टर एक्सेप्ट्स अ सर्वेंट एज हिज ओन मैन बट डज नॉट पनिश हिम फॉर हिज ऑफेंसेस, द सर्वेंट मस्ट बी कंसिडर्ड अनफॉर्चुनेट। तो पुरंजन महाराज अपनी पत्नी के पास जाकर के कह रहे हैं, अरे मैं तो आपका सेवक हूं। कैसे पुरुष एक स्त्री को मनाता है, कैसे मनाता है, अरे मैं तो आपका सेवक हूं, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तो वैसे ही पुरंजन महाराज इस पत्नी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, अरे मैं तो आपका हूं, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तो वो कहते हैं, अरे आप मेरी स्वामिनी है, मैं आपका दास हूं, आपको पूरा हक है मुझ पर गुस्सा करने का। अगर एक दास के ऊपर स्वामी या स्वामिनी गुस्सा नहीं करते, इसका मतलब उस दास को वो अपना नहीं मानते। तो देखिए कितना गोल 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 एकदम चढ़ा रहा है। और ये ऐसी एलिगोरीज क्यों दी जा रही हैं? क्योंकि पुरंजन महाराज, पुरंजन इन द सेंस राजा प्राचीनी बरही, जिनके जीवन की ये कथा है रूपक अलंकार के रूप में, रूपक के रूप में, वो भी यही सब कर रहे हैं, केवल भोग और भोग और एंजॉयमेंट की पिपासा से उन्होंने अब तक बहुत कर्मकांड किए हैं। सो इफ ही कैन बी स्ट्रेटेंड, ही कैन बी स्ट्रेटेंड ओनली विद द एनालॉजीज ऑफ श्रृंगार। क्योंकि राजा प्राचीनी बरही ने अपने जीवन में केवल श्रृंगार ही किया है, ही हैज जस्ट एंजॉयड। So what he understands is enjoyment. So Narad Muni is referring everything with respect to enjoyment. This is an expert preacher. An expert preacher कौन है? Expert preacher वो नहीं है जो सही में शास्त्रों को quote कर सके left to right A to Z. Expert preacher वो है जो सामान्य जनमानस की conditioning जान करके उसके अनुसार आध्यात्मिक संदेश को उन्हें प्रस्तुत करता है।
एक्सपर्टीज इन प्रीचिंग इज नॉट इन प्रोड्यूसिंग रिप्रोड्यूसिंग शास्त्र. एक्सपर्टीज इन प्रीचिंग इज हाउ कैन आई रिलेट टू द हार्ट्स ऑफ द पीपल टू हुम आई एम प्रीचिंग. जिन लोगों को मैं प्रचार कर रहा हूं उनके हृदय के तार को मैं कैसे छू सकता हूं. तो नारद मुनि जानते हैं कि राजा ना प्राचीनी वर ही केवल भोग विलासिता में ही रहे हैं. तो पुरंजन महाराज की ये स्टोरी से और उसके भोग विलासिता के ही एग्जाम्पल से धीरे 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 नारद मुनि प्राचीनी वर ही को बाहर ले गया. दिस इज वॉट इन एन एक्सपर्ट प्रीचर. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अरे जिस प्रकार से एक स्वामी को अपने दास पर क्रोध करने का हक है, उसी प्रकार आपको मुझ पर क्रोध करने का हक है. श्रील प्रभुपाद जी यहां पर भी भागवतम के 10th कैंटो 14th चैप्टर 8th वर्स तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमानो भृंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वान् वपुभिर् विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भांत. ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमान. हे भगवान, जब एक जीव इस भौतिक जगत में आपकी कृपा का लेश प्राप्त करने की इच्छा से जीता है और जीते समय भुंजान एव आत्मना कृतम विपाकम, आत्मना कृतम विपाक, अपने स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों को वो झेल रहा है, उसके रिजल्ट्स को. सो ही इज एक्सपेक्टिंग योर मर्सी एंड ही इज गोइंग थ्रू हिज ओन सेट ऑफ कर्मिक एक्टिविटीज. देन एट द सेम टाइम हृदवाग वपुहु भीर विदधन नमस्ते. अपने हृदय से, अपनी वाचा से और अपने शरीर से वो भगवान आपको नमस्कार भी कर रहा है. So he is expecting your mercy. He is offering obeisances to you by body, mind and words and going through his life. Bhagavan aap jo chahe. Jahi re vidhi rakhe Ram, kahi re vidhi rahi. So ye teen conditions ko jo fulfill karta hai, wo jive tayo mukti pade sadaya bhag. Wo actually mukti ka adhikari hai. Wo mukti ko rightfully mang sakta hai. So whose eligibility criteria for liberation? Eligibility criteria for liberation is ki wo directly Bhagwan ki hridvag vapu se seva kare. Yes. Uske baad mein apne jeevan mein jo apne apne karmon se aaye hue bhog hai unhe bhogta rahe. Aur teesra Bhagwan ki anukampa ki apeksha karta hai. So active engage in pure devotional service. Wanting to experience Krishna's mercy and happily going through whatever was destined for me, then a person is actually eligible for liberation. So, यही श्रृंखला आगे चलती है. श्लोक क्रमांक 22. परमोनुग्रहो दंडो भृत्येषु प्रभृणार्पितः बालो न वेद तत्तन्वि बन्धुकृत्यम अर्षणः. माय डियर स्लेंडर मेडन, व्हेन अ मास्टर चैस्टाइजेस हिज सर्वेंट, द सर्वेंट शुड एक्सेप्ट दिस एज ग्रेट मर्सी. वन हू बिकम्स एंग्री मस्ट बी वेरी फूलिश नॉट टू नो दैट सच इज द ड्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड. तो जब एक स्वामी अपने सेवक पर क्रोधित होता है और सेवक इंटर्न उल्टा क्रोध कर रहा है, उल्टा जवाब दे रहा है, तो वो मूर्ख नंबर एक. सो समटाइम्स वी सी लॉर्ड माइट गेट एंग्री एट अस. व्हाट डज लॉर्ड गेटिंग एंग्री मीन? इट मीन्स हमारा जीवन जैसे चाहिए वैसे नहीं चलता. उसको ही हम देखते हैं ना कि हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में भगवान की कृपा है कैसे. अरे जो मुझे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए, जब चाहिए, जहां चाहिए वैसे मिल रहा है, मतलब भगवान की कृपा. लेकिन भगवान अपने भक्तों के जीवन में कई बार जानबूझ के अड़चने भी डालते हैं, तो उनको भी ठीक से लेना है. अगर वो अड़चने देख करके अगर
जीव कंप्लेन कर रहा है भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, देन ही इज अ फूल नंबर वन. यस दैट इज व्हाट इट मींस. सो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे, कल भी हमारे साथ बने रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.